हेलो बच्चों, इस एपीसोड विच तुसी कण अते कनाव दे आयतन अते इस दियां उपयोगितावां अते संबंधित क्रियावां बारे सीखोगे। आओ शुरू करदे हां। आओ सब तो पहला कनाब यानी क्यूबॉइड बारे जानते हैं। कनाब यानी क्यूबॉइड एक तीन आयामी ठोस होता है जो कि छे आयताकार तलां नाल घिरिया होता है। इस दे सन्मुख तल समान होते हैं। एक कनाब जिसकी लंबाई एल, चौड़ाई बी अते ऊंचाई एच है। इसकी सतह का खेत्रफल पता करने लिए असी इस दे तलां नूं स्क्रीन ते दिखाए अनुसार खोलते हाँ। समान लंबाई अते चौड़ाई दियां कुछ आयताकार कागज दियां शीटां लो जिन्हां नूं एक उपर एक इस तरह रख्या गया है तां जो असी एच ऊंचाई दा एक कनाब प्राप्त कर सकीए। याद करो कि हरेक आयत दा खेत्रफल इस दी लंबाई अते चौड़ाई दे गुणनफल दे बराबर हुंदा है। हरेक आयत द्वारा घिरे तल दे खेत्रफल अते इस दी ऊंचाई दा गुणनफल कनाब दा आयतन देंदा है जो कि कनाब द्वारा घिरे थां जां स्पेस दा माप है। इंच कनाब दा आयतन इस दी लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई दे गुणनफल दे बराबर है। तां इत्थे कनाब दा आयतन एल गुणा बी गुणा एच दे बराबर होवेगा। इत्थे कनाब दी लंबाई एल, चौड़ाई बी अते ऊंचाई एच है। आओ हुण कंध यानी क्यूब दे आयतन बारे जानते हाँ। जेकर एक कनाब की लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई समान होवे तां ए एक कन होवेगा। इंच कन एक खास कनाब हुंदा है जिस दे सारे किनारे समान लंबाई दे हुंदे हन। आओ हुण कंध दे आयतन बारे जानते हाँ। हुण कंध दा आयतन बराबर होवेगा इस दे तिन्ना समान किनारियां भाव भुजा दे गुणनफल दे। इस दा आयतन बराबर होवेगा ए गुणा ए गुणा ए भाव बराबर ए दे कण दे। इत्थे कण जिस दी हरेक भुजा दी लंबाई ए है। हुण तक तुसी कण अते कनाब दे आयतन अते इस दियां उपयोगितावां अते संबंधित क्रियावां बारे सिख्या है। आओ हुण इन्हां नाल संबंधित कुछ उदाहरणां नूं हल करदे हां। आओ हुण एक उदाहरण वेखिए। एक माचिस की डब्बी का माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा 1.5 सेंटीमीटर है। अजिहा 12 डब्बिया का आयतन पता करो। हल इत्थे माचिस की एक डब्बी कनाब आकार दी है। जिसकी लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई क्रमवार 4 सेंटीमीटर दो दशमलव पांच सेंटीमीटर अते 1.5 सेंटीमीटर है। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦਾ ਆਇਤਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲ ਗੁਣਾ ਬੀ ਗੁਣਾ ਐਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਾਬ ਦਾ ਆਇਤਨ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਲ ਗੁਣਾ ਬੀ ਗੁਣਾ ਐਚ ਦੇ।
ਇੱਥੇ ਐਲ ਬੀ ਅਤੇ ਐਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਨਾਵ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਭਰਨ 'ਤੇ ਐ ਬਰਾਬਰ 4 ਗੁਣਾ 2.5 ਗੁਣਾ 1.5 ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਤੇ। ਬਰਾਬਰ ਆਵੇਗਾ 10.0 ਗੁਣਾ 1.5 ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅਗਾਂਹ ਗੁਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਬਰਾਬਰ 15 ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਚਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦਾ ਆਇਤਨ ਬਰਾਬਰ 15 ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਾਰਾਂ ਮਾਚਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 12 ਗੁਣਾ 15 ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਬਰਾਬਰ 180 ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ 12 ਮਾਚਸ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਦਾ ਆਇਤਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 180 ਘਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ। ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਕਨਾਵ ਆਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 6 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ, 5 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਅਤੇ 4.5 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਨਾਵ ਆਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਮੀਟਰ ਕਨਾਵ ਆਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 20 ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5 ਮੀਟਰ। ਕਨਾਵ ਆਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਉਚਾਈ 4.5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਨਾਵ ਆਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਆਇਤਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ
एल गुणा बी गुणा एच दे, क्योंकि असी जानते हाँ कि कनाव का आयतन बराबर होंदा है एल गुणा बी गुणा एच, जदों कि एल बी अते एच क्रमवार कनाव की लंबाई चौड़ाई अते उचाई नू दर्शाते हैं। हुण इत्थे एल बी अते एच दे मुल भरन ते ए बराबर आवेगा 6 गुणा 5 गुणा 4.5 कन मीटर, क्योंकि इत्थे कनावकार पानी की टैंकी की लंबाई जिसनू एल नाल दर्शाया गया है बराबर है 6 मीटर, इसकी चौड़ाई जिसनू बी नाल दर्शाया गया है बराबर है 5 मीटर, अते इसकी उचाई जिसनू एच नाल दर्शाया गया है बराबर है 4.5 मीटर दे। हुण इत्थे गुणा करन ते ऐ बराबर आवेगा 135 कन मीटर दे। हुण कन मीटर नू लीटर विच बदलन लई असी इस दी 1000 नाल गुणा करदे हां तां ऐ बराबर 135 गुणा 1000 लीटर। क्योंकि असी जानते हाँ कि एक कन मीटर बराबर हुंदा है 1000 लीटर दे। तां ए बराबर आवेगा 135,000 लीटर दे। इसलिए दिते गए उदाहरण लई असी कह सकते हाँ कि कनावकार पानी की टैंकी विच एक 135,000 लीटर पानी आता है। चूंकि असी पता करना सी। हुण एक होर उदाहरण वेखिए। एक नावकार खड्डा जिस की लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 6 मीटर अते डूंघाई 3 मीटर होवे तां 30 रुपए प्रति कन मीटर की दर नाल खड्डा पुट्टन का खर्च पता करो। हल इत्थे सानू दिता है एक कनावकार खड्डा जिसकी लंबाई 8 मीटर चौड़ाई जिसनू बी नाल दर्शाते हाँ 6 मीटर अते डूंघाई 5 उचाई जिसनू असी एच नाल दर्शाते हाँ 3 मीटर है, जिमें कि सानू देता है असी जानते हाँ क्योंकि कनाव का आयतन
बराबर होंदा है एल गुणा बी गुणा एच। इथे एल कनाव की लंबाई बी कनाव की चौड़ाई अते एच कनाव की ऊंचाई है। तो इसलिए इस कनाव आकार खड्डे का आयतन 2 बराबर होगा एल गुणा बी गुणा एच ते, जिमें कि एल बी अते एच क्रमवार इसकी लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई नू दर्शाते हैं। हुण इत्थे एल बी अते एच ते दित्ते मुल भरन ते ए बराबर 8 गुणा 6 गुणा 3 घन मीटर दे बराबर, क्योंकि सानू दिता है इत्थे एल यानी लंबाई बराबर 8 मीटर, बी यानी चौड़ाई बराबर 6 मीटर अते एच यानी ऊंचाई बराबर 3 मीटर है। हुण अगां ए बराबर 48 गुणा 3 कन मीटर दे, जिमें कि 8 नू 6 नाल गुणा करन ते असी 48 प्राप्त करते हाँ। अगां ए बराबर 144 कन मीटर दे, जिमें कि 48 दी 3 नाल गुणा करन ते असी 144 प्राप्त करते हाँ। तां इस तों भाव कनावकार खड्डे दा आयतन बराबर है 144 घन मीटर हुन प्रश्न अनुसार एक कन मीटर खड्डा पुट्टन दा खर्च बराबर है 30 रुपए दे, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਨਾਵਕਾਰ ਖੱਡੇ ਲਈ ਯਾਨੀ 144 ਘਨ ਮੀਟਰ ਖੱਡਾ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਖਰਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 144 गुणा 30 रुपए दे, जो कि गुणा करन ते बराबर आवेगा 4320 रुपए।
ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਨ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖੱਡਾ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਖਰਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4,320 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਨ ਅਤੇ ਕਨਾਵ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀਏ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 4,000 ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਪ 20 ਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 15 ਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 6 ਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਂਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੱਲ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 4,000 ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 150 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ 150 ਗੁਣਾ 4,000 ਲੀਟਰ ਯਾਨੀ ਬਰਾਬਰ 6,00,000 ਲੀਟਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6,00,000 ਲੀਟਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 6,00,000 ਲੀਟਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕ
कनाब आकार है। जिसकी लंबाई चौड़ाई अते ऊंचाई क्रमवार बी मीटर 15 मीटर अते 6 मीटर है जो कि सानू देता है। ता इथे इस कनाब आकार टैंक का आयतन बराबर होगा एल गुणा बी गुणा एच दे। इथे एल इस दी लंबाई बी इस दी चौड़ाई अते एच इस दी ऊंचाई नू दर्शाता है क्योंकि असी जानते हाँ कि कनाब का आयतन बराबर होता है एल गुणा बी गुणा एच जिथे एल इस दी लंबाई बी इस दी चौड़ाई अते एच इस दी ऊंचाई होवे। हुण मूल भरण ते ए बराबर होवेगा वी गुणा 15 गुणा 6 कन मीटर दे क्योंकि इथे एल बराबर है 20 मीटर बी बराबर है 15 मीटर अते एच बराबर है 6 मीटर दे। ता ए अगा बराबर होवेगा 300 × 6 कन मीटर क्योंकि असी वी नू 15 नाल गुणा करन ते 300 प्राप्त करते हाँ। अगा बराबर 1800 कन मीटर क्योंकि असी 300 नू 6 नाल गुणा करन ते 1800 प्राप्त करते हाँ। हुण अगा ए बराबर 1800 × 1000 लीटर दे क्योंकि असी जानते हाँ कि एक कन मीटर बराबर हुंदा है 1000 लीटर दे। ता इत्थे कन मीटर नू लीटर विच बदलन लई असी 1000 नाल गुणा करदे हाँ। ता इसलिए इत्थे कनाब आकार टैंक दा आयतन बराबर होवेगा 1800 × 1000 लीटर दे। ता इस तों भाव इत्थे असी कह सकते हाँ कि टैंक विच पानी दी मात्रा बराबर 1800 × 1000 लीटर है। हुन पिंड द्वारा एक दिन लई लोड़ींदी पानी दी मात्रा बराबर है 6 लाख लीटर
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਟਾ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ 1,800 × 1,000 / 6 ਲੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 1,800 × 1,000 ਲੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 6 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 6 ਲੱਖ 1,000 ਨਾਲ ਵੰਡਯੋਗ ਹੈ। 1,000 ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 600 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 1,800 / 600। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1,800 / 600 ਨਾਲ ਵੰਡਯੋਗ ਹੈ। 600 ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ 3 ਦਿਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 3 ਦਿਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਨਾਵਕਾਰ ਟੈਂਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਕੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਨ ਅਤੇ ਕਨਾਲ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਵਕਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।